हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू। व्यूअर्स, आज हम एक बार फिर एक नए टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं। जी हाँ, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम सफ़ेद पानी या लिकोरिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जो 75% से भी अधिक महिलाओं को कम से कम एक बार अपने जीवन काल में होती है। अब सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि क्या यह वजाइनल डिस्चार्ज यानी योनि से निकलने वाला पानी एक समस्या है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए समझते हैं कि योनि स्राव या वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। देखिए, योनि और गर्भाशय के मुख पर कई ग्रंथियां होती हैं जो योनि को नम रखने के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। यह डिस्चार्ज योनि को स्वस्थ अथवा ल्यूब्रिकेशन यानी चिकनाहट प्रदान करता है और इन्फेक्शन व जलन से बचाता है। महिलाओं के मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के चरण के अनुसार वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा में और गाढ़ेपन में भी बदलाव आता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज चिंता का विषय कब बन जाता है। देखिए व्यूअर, जब वजाइनल डिस्चार्ज के साथ ये निम्न लक्षण दिखाई दें तो ये चिंता का विषय बन जाता है। देखिए, ये लक्षण कौन कौन से होते हैं, अब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। योनि और मूत्र मार्ग के आसपास की त्वचा के क्षेत्र में लाली, खुजली, दाने या जलन का होना, वजाइनल डिस्चार्ज का बहुत अधिक मात्रा में आना और उसमें गंदी बदबू का आना, हरा, पीला, गाढ़ा व फटी दही जैसा डिस्चार्ज का आना, बिना महावारी के धब्बों का आना या फिर ब्लीडिंग होना। अब हम बात करेंगे असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज यानी सफेद पानी के कारण। देखिए, पहला कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसको हम बैक्टीरियल वेजिनोजिस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा होने वाला योनि संक्रमण है। इसमें बहुत ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज आता है और उसमें मछली जैसी स्मेल आती है। दूसरा कारण इसका वजाइनल कैंडिडियासिस यानी योनि का फंगल इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। इसका ये दूसरा बड़ा कारण है। इसमें जलन और खुजली के अलावा सफेद पनीर जैसा डिस्चार्ज भी आता है। अब हम इसका तीसरा कारण भी जान लेते हैं। तीसरा कारण होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो शारीरिक संबंधों के दौरान फैलता है। इसमें ट्राइकोमोनेसिस, गोनोरिया और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन इसका मुख्य कारण है। इस इन्फेक्शन में पीले या हरे रंग का गंदा पानी योनि से आता है और बिना महावारी के ब्लीडिंग या धब्बों का आना भी इस बीमारी में प्राय देखा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में योनि में संक्रमण का खतरा क्यों रहता है। क्या कारण हो सकते हैं कि जो महिलाओं की योनि में इतना इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए व्यूअर, जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, हम इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। योनि की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि ऊपर मूत्र मार्ग और नीचे गुदा होती है। इसके कारण योनि मूत्र मार्ग से मूत्र और गुदा से बैक्टीरिया के संपर्क में आती है। इसलिए यदि योनि के आसपास उचित साफ सफाई और सूखापन नहीं रखा जाता है तो संक्रमण हो जाता है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि योनि में इन्फेक्शन किन किन कारणों से होता है। देखिए, योनि के आसपास साफ सफाई ना रखना, योनि को सूखा ना रखना, योनि के आसपास परफ्यूम स्प्रे और योनि धोने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करना, ऐसा करने से अच्छे बैक्टीरिया को ये मार डालते हैं। गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करना या यूज करना, डायबिटिक पेशेंट और पोस्ट मीनोपॉजल जो महिलाएं होती हैं जिनके महावारी बंद हो जाती है, उनमें भी यह इन्फेक्शन प्राय सबसे ज़्यादा देखा जाता है। व्यूअर्स, अब हम बात करने वाले हैं कि सफ़ेद पानी के रोकथाम के उपाय कौन से हैं। देखिए, योनि के आसपास सफाई रखें व योनि को हमेशा सूखा रखें। कॉटन के अंडर गारमेंट्स ही पहने और अपने अंडर गारमेंट्स को धोने के बाद धूप जरूर दिखाएं। लंबे समय तक तंग कपड़े ना पहने। पीरियड्स के दौरान
सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें और गीला होने पर तुरंत बदल दें। योनि को बार बार ना धोएं और धोने के बाद सूती कपड़े या फिर आप टिश्यू पेपर से योनि को सुखाएं। इसके और भी रोकथाम के उपाय हैं, जैसे विवर्स नियमित रूप से सुगंधित परफ्यूम और वजाइनल वॉश का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह योनि से अच्छे बैक्टीरिया को हटा देता है। शारीरिक संबंध के बाद यूरिन पास करें और योनि को सूखा रखना भी सुनिश्चित करें। मल त्याग के बाद गुदा को हमेशा आगे से पीछे की ओर धोएं। संतुलित आहार लेकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसका मतलब होता है अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब असामान्य डिस्चार्ज होने पर आपको क्या करना चाहिए, यानी आप क्या करें। सबसे पहले आप चिंता ना करें। सफ़ेद पानी को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में लोगों ने फैला रखी हैं कि सफ़ेद पानी होने पर महिलाओं की हड्डियां गल जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको असामान्य लक्षण दिखाई दें तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपनी जांच करवाएं और अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार को पूरा करें। आपके साथ आपके पति यानी आपके हस्बैंड का भी इलाज बहुत जरूरी होता है, उनका भी इलाज करवाएं, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन तो होता है लेकिन वो जो लक्षण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इस बीमारी के इलाज के लिए सुविधाएं, दवाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए आपके घर के आसपास कोई भी सरकारी अस्पताल है या कोई डिस्पेंसरी है तो वहां पर आप अपना इलाज कराएं और अपने पति का भी इलाज करवाएं। व्यूअर्स, वीडियो के अंत में मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहती हूं। देखिए, कृपया बिना डॉक्टर के परामर्श के स्वयं दवाइयां ना लें। कई बार YouTube और इंटरनेट से देखकर महिलाएं दवाइयां ले लेती हैं। ऐसा करने से उन्हें अस्थायी राहत तो मिल जाती है, परंतु ऐसा करने से बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवाइयां लें और अपना और अपने पार्टनर का ध्यान रखें। मैं आशा करती हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह आपको स्वस्थ रहने में और आपको इस बीमारी से बचाने में भी मदद करेगी। धन्यवाद।